नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने काफी बड़ी गिरावट एग्री मार्केट में आती हुई देखी। एक हफ्ते की न्यूज की अगर बात करें तो जनरली हमने देखा था कि रबी की अराइवल्स चालू हो चुकी है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव है, बट वो सिलेक्टेड कमोडिटीज में है। बट उसके विपरीत भी हमने बाहरी गिरावट आती हुई देखी, जहां हमने एडिबल ऑयल पैक में मोटा मोटी 10% से ज्यादा की गिरावट पिछले एक हफ्ते में आती हुई देखी। मसालों में भी हमने 5% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी। कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी हमने 2.5 से 3% की गिरावट आती हुई देखी। गवार सीड गवार गम में भी 10-10% की गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल मार्केट में इक्विटी मार्केट में बड़ा क्रैश आया है और नॉन एग्री कमोडिटी में भी क्रैश आया, जिसके चलते मार्जिन कॉल हावी रहे हैं और प्राइजेस में हमने देखा कि एग्री में भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट उसका आता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो सीपी और रिफाइंड सोया में हमने करीबन 10-10% की गिरावट देखी। इंटरनेशनल में भी गिरावट का रुख है, डिमांड कंसर्न मार्केट में बिल्कुल बनी हुई, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बिल्कुल ठप है, जिसके चलते प्राइजेस में गिरावट है। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड में जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, बट अभी भी डिमांड कंसर्न के चलते प्राइजेस में दबाव का रुख कंटिन्यू रहेगा। सीपीओ के प्राइजेस में हमें लगता है कि फर्दर ये हफ्ते में और गिरावट का रुख देखने मिल सकता है, प्राइजेस 590 से 600 के लेवल तक जा सकता है। वहीं रिफाइंड सोया में भी हम कंटिन्यू गिरावट देख सकते हैं। सोयाबीन काफी सरप्राइज था, हमने देखा था कि क्रॉप साइज के एस्टीमेट कम थे, जिसके चलते प्राइजेस में हमने अक्टूबर नवंबर में 4400 के भाव छूते हुए देखे थे, बट पॉलिट्री इंडस्ट्री पूरी ठप है, डिमांड बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। इंटरनेशनल में भी प्राइजेस 900 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत है। तो टेक्निकली अगर 3700 के नीचे सोयाबीन कंटिन्यू ट्रेड करता है और कोरोना वायरस का इंपैक्ट कंटिन्यू रहता है, तो 3200-3250 तक के भी लेवल हम सोयाबीन में देख पाएंगे। मस्टर्ड में अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में दबाव है, जो डाउनसाइड में 3800 तक का लेवल दिखा सकता है। कैस्टर में बीच में हमने कोशिश देखी थी प्राइजेस में जंप आने की, बट 4000 के नीचे काउंटर वीक रहेगा। अराइवल प्रेशर कंटिन्यू है, यील्ड इंप्रूवमेंट के चलते क्रॉप साइज अच्छी है, जो प्राइजेस को 3600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। वहीं मसालों की बात करें तो काफी सुस्त रहा था, बट फिर भी प्रेशर बना हुआ है। हल्दी में हमने 2.5% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी हमने 6% की गिरावट ऑलरेडी हमने प्राइजेस में आती हुई देखी है। 6000 के नीचे प्राइजेस अगर सस्टेन करते हैं तो हम 5600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। जीरे में अराइवल भर चुका है, प्राइजेस ने मल्टीपल ऑफ टाइम 14000 का लेवल तोड़ने की कोशिश की बट फेल था। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 13500 के नीचे भी अगर प्राइजेस होल्ड करता है, 13000 का लेवल तोड़ के 12800 तक के भी लेवल हम जीरे में देख पाएंगे, जिस ढंग से इंटरनेशनल डिमांड काफी सुस्त है। धनिया की अगर बात करें तो अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में दबाव है, 6000 का लेवल बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 6000 के नीचे काउंटर वीक रहेगा, जो 5400 से लेकर 5300 तक के भी लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। कार्डमम में वॉल्यूम कम है, बट एज ऑफ नाउ बाकी कमोडिटीज में जो प्रेशर बना हुआ है, इसके चलते कार्डमम में भी प्रेशर बना हुआ रह सकता है। नो डाउट पूरे हफ्ते में हमने 0.5% की तेजी जरूर देखी है, बट इस बार हमें लगता है कि डिमांड कंसर्न बनी हुई है, जिसके चलते 2000 से 2100 तक के भी लेवल हम कार्डमम में देख पाएंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉटन में हमने 2.5% की गिरावट, जबकि कपास में 5% की गिरावट, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने 2% की गिरावट आती हुई देखी। कॉटन में अभी भी हमें लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड सुस्त है, जिसके चलते प्राइजेस 18000 या 18000 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। कपास 1000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना के रखा है, बट आई थिंक ये भी लेवल तोड़कर 980-985 के लेवल देखने मिल जाएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में पिछले 15 दिन में हमने बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। हमने देखा 1500 का लेवल टच करने के बाद 1900 तक का लेवल आया डिमांड के चलते, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आई थिंक जो अराइवल है या क्रॉप साइज है उसको देखते हुए 1750 एक फेयर प्राइस रहेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है आने वाले हफ्ते में कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट रहेगी, जो 1750 तक का लेवल दिखा सकता है। मेंथा मार्केट रेंज बाउंड है, वॉल्यूम थोड़े कम है, जबकि चेने में हमने बिकवाली भारी आते हुए देखी है, 3% की गिरावट जरूर है। कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस ढंग से ओले वृद्धि हुई है राजस्थान के एरिया में, जो प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट 4000 के नीचे काउंटर वीक है, जो 3800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं गवार सीड गवार गम का सीधा रिलेशन क्रूड ऑयल से है। यूएस में सेल प्रोडक्शन बढ़े जरूर है, बट इनका जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 38 से $40 की होती है। इस वक्त इंटरनेशनल में क्रूड के प्राइजेस $31 तक पहुंच चुके हैं, जिसके चलते अगर प्राइजेस $40 के नीचे रहते हैं तो सेल प्रोडक्शन के लिए वाइबल एनवायरमेंट नहीं रहेगा और प्रोडक्शन ठप हो सकता है, जिसके चलते गवार गम में सीधा सीधा इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, जिसके चलते हमने पिछले 2-3 सेशन में ही गवार गम में एक भारी गिरावट आती हुई देखी है। पिछले एक हफ्ते में 11% की गिरावट हमने गवार गम में आती हुई देखी है। आने वाले हफ्ते में भी हमें लगता है ये गिरावट कायम रहेगा, जो नीचे में 5200 तक का लेवल गवार गम में
और 3200 से लेकर 3150 का लेवल गवार सीड में देखने मिल सकता है। सिंस लास्ट वन वीक वी हैव सीन ग्रेटर वॉलेटिलिटी कमिंग बैक ऑन कमोडिटी मार्केट। वी हैव सीन कोरोना वायरस इम्पैक्ट इज नाउ आउटस्प्रेडिंग आउटसाइड ऑफ चाइना। वी हैव सीन नंबर हैज अफेक्टेड पर्सन हैज क्रॉस 1 लाख, मोर देन 1 लाख, अराउंड 125 कंट्रीज हैज बीन इम्पैक्टिंग एंड मोर देन 4000 पीपल हैज डाइड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एपिडेमिक। जनरली वी सी इफ दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक गेन्स gold gains simultaneously on the safe haven buying, but since last 1 week we have seen gold prices drop more than 2.5%. That clearly shows whatever the factor that has been supporting gold has been now discounted. In fact, silver prices has dropped by more than 1.5%. That clearly showed that safe haven buying is slightly slightly going out. During the next week we can see a good profit booking in gold. A drop below 1640 in international CAD tapped down the gold prices towards 1570-1580, whereas silver continuously trading below $17 gives us a selling signal targeting $16. Coming on domestic side, we may see a further fall in gold prices. Gold prices on MCX can see a fall below 43,000, can test around 42,500 on downside, whereas silver may break 45,000 level mark to test around 43,500 on downside. Coming on energy, we have seen on Monday crude prices tanked down by more than 30% after Saudi has clearly told that they will be increasing their output. After the OPEC meet, we have seen the agreement has not been placed and prices has tanked by more than 30%. Still, supply concern has not been there in the market. Demand concern is there because of coronavirus also, and ample of supply is prevailing in the market. So we see further weakness in crude oil prices. We can see MCF crude oil prices can again retest 2100 level mark because of demand concern. No doubt rupee weakness has been slightly supportive, but I think RBI is also due for a rate cut or any stimulation pack for India that could definitely support rupee, which can drag down the commodity market on domestic market. Natural gas prices, this week we have seen a good recovery. In fact, on Monday we have seen slightly weak down, but Tuesday, Wednesday we have seen a strong recovery. But I doubt prices could hold this current level as demand concerns still prevailing in the market, and we can see again natural gas prices going towards 130 level in downside. Coming on base metal, this week also we have seen good erosion in base metal prices to the tune of 2-2.5%. Still, demand concern from China and global world will impact the base metal prices. We further see downside will continue for base metal, but restricted way prices will move out. Like copper may test around 420-415 level, but that will be a good level to re-enter. Zinc may see a level like 151-152, but lower level buying would be again seen in zinc also. Nickel, I think 900-970 would be the broader range. Aluminium or lead, both the commodity would be trading with a sideway, but overall base metal would be impacting from coronavirus and demand. No doubt some support also has been observed as a stimulation pack by UK, China, US is announcing that could support a little bit base metal, but overall sell on rally should be the strategy for non-agri commodities. Thank you.